हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मेफ्टल इस्पात टैबलेट के बारे में। मेफ्टल इस्पात टैबलेट आप लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। जिन लोगों को पेट दर्द की शिकायत होती है या ऐसी फीमेल्स जो पीरियड्स के टाइम पर जिनको बहुत ज़्यादा पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, वो लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो मेफ्टल इस्पात को जो मैनुफैक्चर करती है वो ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज़ को मैनुफैक्चर करती है, यानी ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज़ को बनाती है मेफ्टल इस्पात को। एंड इसकी हम प्राइजिंग के बारे में बात करें तो इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती हैं। एंड 10 टैबलेट की जो प्राइजिंग होती है वो 46 रुपये होती है, यानी 46 रुपये की एक स्ट्रिप आती है जिसकी प्राइजिंग 10 एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती हैं जिसकी प्राइजिंग होती है 46 रुपये। तो आप इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड इसके बारे में हम थोड़ा अगर डिटेल में बात करें तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है, इसमें दो ड्रग का कॉम्पोजिशन होता है। एक तो होता है डाइसाइक्लोमाइन, एंड जो सेकेंड ड्रग होती है वो होती है मेफेनेमिक एसिड। तो डाइसाइक्लोमाइन इसमें होता है 10 mg में, एंड मेफेनेमिक एसिड इसमें होता है 250 mg में। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो दो ड्रग होती हैं, डाइसाइक्लोमाइन जो होती है ये एक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है, जो करती ये है कि हमारी पेट में जो आंत होती है उसकी मांसपेशियों को थोड़ा आराम देती है। अब जब मांसपेशियों का आराम जब मिल जाता है तो वो ऐंठना बंद कर देती है, जिसके कारण से सूजन, दर्द और ऐंठन और बेचैनी में राहत मिलती है। एंड जो सेकेंड ड्रग होती है मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक ड्रग एक NSAID है, यानी नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो पेट में दर्द और सूजन को कम करने वाले केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकती है। तो जब केमिकल मैसेंजर को निकलने से जब वो रोकेगी, तो उस केस में जो भी धर्म आपको पेट में पेन हो रहा है या फिर आपको मेंसेस के टाइम पर जो भी ऐंठन हो रही है, उस ऐंठन से राहत मिलती है। तो जो पहली ड्रग है डाइसाइक्लोमाइन, ये एंटी कोलिनर्जिक है, जो पेट की आंत को और मांसपेशियों को आराम देती है। एंड जो सेकेंड ड्रग है मेफेनेमिक एसिड, ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो पेट के दर्द और सूजन को दूर करने में मदद करती है। अब इसका यूज़ क्या है, आप कैसे कैसे इसको ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, वो दर्द किसी भी एज में हो सकता है। आप अगर बच्चों को छोड़ दें तो उस केस में आपको किसी भी टाइप का दर्द हो रहा हो तो आप मेफ्टल इस्पात टैबलेट को आप ले सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आपको पीरियड पेन है एंड पीरियड्स के टाइम पर आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो या फिर पेट में ऐंठन हो रही हो, तो उस केसेस में आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। लोग काफ़ी सालों से इस टैबलेट को यूज़ करते आ रहे हैं, एंड जो वो रिज़ल्ट देखते हैं तो रिज़ल्ट उनको बहुत अच्छा मिलता है, एंड उन्हें अचानक से इसमें आराम मिल जाता है। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर बात करें तो साइड इफ़ेक्ट मान लीजिए इस टैबलेट को आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो दिखते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी बारी कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि ये टैबलेट लेने के बाद उनको चक्कर आने लगते हैं या उनके मुंह में सूखापन आने लगता है या उनको थोड़ी नींद भी आने लगती है। तो ये तीन इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट हैं जो काफ़ी सारे लोगों में नहीं भी देखने को मिलते, लेकिन कुछ लोगों में देखने को भी मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट आपको दिखें तो आपको तुरंत ही नियर बाय डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, डॉक्टर से आपको डिस्कशन कर लेना है, तो डॉक्टर आपको इसका कोई अल्टरनेट मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर देगा एंड आपको ये भी बता देगा कि अभी इस केसेस में आपको क्या लेना है। एंड इफ़ इन केस अगर डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन या फिर आपको जनरल पेट दर्द भी हो रहा है एंड मेफ्टल इस्पात आपको नहीं मिल रही है, तो उसके कुछ अल्टरनेट मेडिसिन आते हैं, आप वो ले सकते हैं। जैसे इस्पात स्टोन टैबलेट आता है लीफूड हेल्थ केयर का, इसके अलावा मेफ्टस डी आती है टस्कस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की, इसके अलावा स्पास्मोनिल प्लस टैबलेट आती है सिप्ला लिमिटेड की, एंड इसके अलावा स्पेसमेट पीडी सिरप आती है मेडिग्रॉस लिमिटेड की, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन कुछ उसकी अल्टरनेट मेडिसिन थी जो मेडिसिन आप ले सकते हैं इफ़ इन केस अगर आपको मेफ्टल इस्पात मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है आपके साथ, मान लीजिए आप ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको कोई हार्ट का इशू है, तो उस केस में इस टैबलेट को लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से डिस्कशन कर लें, बिकॉज हर टैबलेट का अपना जो इफ़ेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है एंड हर टैबलेट की अपनी अलग नेचर होता है। तो अगर आपको कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है तो आप डॉक्टर से एक बार डिस्कशन कर लें, तो वो आपको और बेहतर तरीके से बता सकता है कि इस मेडिसिन का कौन सा ऑल्टरनेट आपको यूज़ करना है, जिससे आपकी जो इश्यूज़ हैं, प्रीवियस जो इश्यूज़ हैं उन पर इफ़ेक्ट ना हो और जो आपके पेट दर्द की समस्या है आपको उसमें भी आराम मिल जाए। तो ये मेफ्टल इस्पात टैबलेट के बारे में बेसिक रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि और किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन का भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा।